कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। टुडे आई एम कमिंग विद एन इंटरेस्टिंग वीडियो स्पेशली फॉर गर्ल्स, न्यूली वेड गर्ल्स एंड गर्ल्स जिनकी अभी मैरिज होने वाली है थोड़े टाइम में, उनके लिए आज मेरी आज की स्पेशल वीडियो। और आज मैं आपको बताऊंगी कि शादी के बाद या फिर शादी होने से पहले, मतलब शादी होने से पहले ऐसा होता है ना कि हम मेकअप किट रेडी करते हैं हमारी, कि मतलब हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है, क्या चीज़ें चाहिए आफ्टर मैरिज। तो आज की वीडियो में मैं वही सब डिस्कस करने वाली हूँ। तो मेरी शादी जैसे एक साल पहले हुई थी, तो जो जो चीज़ें मैंने ली थी वो चीज़ें, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा, मतलब कुछ लोगों की चॉइस अलग हो सकती है ना, तो वो सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगी कि कैसी चीज़ें लेनी चाहिए, क्या चीज़ें आप ले सकते हैं अगर आप न्यूली वेड हैं या फिर थोड़े दिनों में हाल ही में आपकी शादी होने वाली है। तो उन सब के बारे में मैं आज बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। अभी शादियों का सीज़न चल रहा है और काफ़ी दिनों तक रहेगा, लगभग अप्रैल मई तक, मई में भी होती है शादियाँ, मई जून लगभग तब तक शादियों का सीज़न रहता ही है। तो हर लड़की की एक, मतलब लड़कियों को मेकअप करना बहुत पसंद होता है, सभी को होता है, ऑलमोस्ट सबको होता है। मेरा मानना है 90% लड़कियों को मेकअप करना बहुत ही पसंद होता है, मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेकअप भी नहीं, लाइट मेकअप। न्यूली वेड जो गर्ल्स होती हैं उनके थोड़ा मेकअप किया हुआ अच्छा भी लगता है, और ओवर मेकअप भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि कहीं ऐसा थोड़ी है कि हम पार्टी में जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत मेकअप अच्छा भी लगता है। तो मैं आपको उसी के बारे में बताने वाली हूँ आज। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हेयर से। तो हेयर के लिए आप हेयर सीरम ले सकती हैं, मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ स्ट्रिक्स हेयर सीरम। आप लिवॉन सीरम भी ले सकते हैं या फिर मतलब कोई भी सीरम ले सकते हैं, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे चाहें तो आप बालों को रिबॉन्डिंग भी करवा सकती हैं, बट मेरा पर्सनली मानना है कि रिबॉन्डिंग से बाल थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, मतलब उस टाइम तो बहुत सुंदर हो जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद बाल थोड़े से टूटने लग जाते हैं, वीक हो जाते हैं बाल। तो अगर आप चाहें तो रिबॉन्डिंग करवा सकती हैं, बट वैसे मेरा मानना है कि रिबॉन्डिंग कराना थोड़ा ठीक नहीं है, और बाकी आपकी मर्जी जैसी भी। वैसे आप बालों के लिए हेयर सीरम ले सकती हैं। वैसे मैं ऑयल ही नहीं यूज़ करती हूँ, अगर आप ऑयल ना भी यूज़ करें तो सीरम से आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। और शैम्पू डव कंडीशनर, मतलब पर्सनली मैं यूज़ करती हूँ इसलिए मुझे पता है कि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और बाकी सबकी स्किन टाइप पे थोड़ा अलग अलग, मतलब डिपेंड करता है इसकी स्किन टाइप कैसी है। जो भी आप शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करते हैं वही आप यूज़ कर सकते हो, और सीरम लेना ना भूलें, सीरम आपको यूज़ करना चाहिए। मेरा मानना है सीरम से बाल बहुत अच्छे रहते हैं, और मतलब एक तो उसके अंदर ऐसे होते हैं ना उलझे से बाल हो जाते हैं, उलझे नहीं रहते, आप पूरा दिन खुले छोड़ सकते हैं बाल, मतलब बहुत अच्छे हो जाते हैं बाल। और फेस के लिए आप फाउंडेशन, जैसे देखो घर में अगर आपको रहना है तो फाउंडेशन कम यूज़ करना चाहिए, मेकअप का यूज़ जितना हो सके कम करना चाहिए, नॉर्मल मेकअप यूज़ करना चाहिए। फाउंडेशन जैसे घर में नहीं यूज़ करना चाहिए, बट आप ले सकते हैं लैक्मे फाउंडेशन बहुत ही अच्छा होता है, कि आप जो भी चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी स्किन टाइप पर मतलब डिफरेंस चीज़ें सूट कर सकती है, हो सकता है आपको ना सूट करे, और तो आप चेक कर सकती हैं। और अपनी जो आपकी स्किन टोन है ना, उससे थोड़ा एक नंबर ही ज़्यादा का फाउंडेशन आप यूज़ करिए। अगर इससे ज़्यादा का आप फाउंडेशन यूज़ करते हो, जैसे 2 नंबर ज़्यादा का ले लिया, तो वो लगाया हुआ बहुत ऑड लगता है, बहुत अजीब लगता है। तो आप सिर्फ 1 नंबर ज़्यादा अपनी स्किन टोन से फाउंडेशन यूज़ कर सकती हैं, ले सकती हैं आप उस वो फाउंडेशन। और फाउंडेशन हमेशा मेकअप स्पॉन्ज से लगाना चाहिए। मेकअप स्पॉन्ज होते हैं, उससे क्या होता है, जो मेकअप होता है वो थोड़ा इवनली लगता है। और फाउंडेशन से पहले, हाँ मैं एक बात तो भूल ही गई, फाउंडेशन से पहले हमेशा प्राइमर यूज़ जरूर कीजिए। उससे क्या होता है, जो भी फाउंडेशन है वो हमारी स्किन के अंदर नहीं जाता है, ताकि हमारी अगर स्किन के अंदर जाएगा तो हमारी स्किन पे दाने निकल आएंगे, मतलब जो ऐसे पिंपल्स वगैरह होते हैं वो निकल आएंगे और हमारी स्किन बहुत ख़राब लगने लग जाएगी। इसलिए मेकअप से पहले प्राइमर यूज़ कर सकते हो आप। प्राइमर ADS का प्राइमर होता है, बहुत ही चीप रेट में आपको मिल जाएगा और क्वालिटी भी ठीक होती है उसकी। अगर आप प्राइमर नहीं यूज़ करना चाहते हैं, प्राइमर नहीं लेना चाहते हैं, तो आप एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं। पतंजलि का एलोवेरा जेल ठीक होता है, अच्छा होता है। बाकी आप जो भी चाहें एलोवेरा जेल ले सकते हैं, जिस कंपनी का आप चाहें, जिस ब्रांड का आप चाहें, वो आप एलोवेरा जेल ले सकते हैं। एलोवेरा जेल लगाइए, उसके बाद ही फाउंडेशन का यूज़ आप
उससे स्किन थोड़ी ठीक रहती है, स्किन के अंदर मेकअप नहीं जाता है क्योंकि बहुत सी लेयर हो जाती है ना स्किन पर मेकअप की, तो उसकी वजह से हमारी स्किन थोड़ी ख़राब हो सकती है। तो आप हमेशा मतलब पहले प्राइमर जरूर लगाएं और उसके बाद आप फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लिपस्टिक, लिपस्टिक भाई आपकी बढ़िया से कलर की होनी चाहिए। अगर आप न्यूली वेड हैं या फिर आपकी शादी होने वाली है और आप शादी के लिए किट रेडी करना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप रेड कलर की या मेहरून कलर की या किसी भी डार्क कलर के लिपस्टिक ही अपने कलेक्शन में रखें, ताकि मतलब पता है क्या होता है कि जो न्यूली वेड गर्ल्स होती हैं ना, तो उन पर थोड़ा डार्क डार्क कलर अच्छे लगते हैं, मतलब रेड मेहरून इस टाइप के कलर अच्छे लगते हैं। और लिपस्टिक ऐसी चीज़ होती है जिसको लगाने पर आपके फेस का लुक ही चेंज हो जाता है, मतलब एक लिपस्टिक लगा लेना ऐसा लगेगा आपने कितना ही मेकअप कर रखा है और कितने अच्छे लग रहे हो आप, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और मुझे लिपस्टिक लगाना मुझे बहुत पसंद है, और आप रेड या मेहरून कलर की लिपस्टिक लगा सकते हैं, तो आप अपने कलेक्शन में रेड और मेहरून कलर को तो ज़रूर रखिएगा। न्यूड शेड कुछ दिन बाद लगाइए, लेकिन न्यूड शेड देखो मर्जी आपकी, अगर आपने लाइट मेकअप किया है, लाइट ड्रेसेस पहनी है, तो आप न्यूड शेड भी लगा सकती हैं, वरना एकदम डार्क शेड रेड मेहरून इस टाइप के शेड आप लगा सकती हैं। अगर आप डार्क कलर की शेड लगाती हैं लिपस्टिक की, तो आपको कोई मेकअप की भी ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा उसका लुक लगता है। आप ब्लशर ले सकती हैं, आप ब्लशर मतलब वैसे तो लैक्मे का ब्लशर भी अच्छा होता है, आप जो चाहें वो ब्लशर ले सकती हैं, आपकी पर्सनल चॉइस है। और इसके अलावा फेस पाउडर, फेस पाउडर भी आप लैक्मे का यूज़ कर सकती है, लैक्मे का फेस पाउडर बहुत अच्छा होता है। मेरा मानना है कि लैक्मे के अलावा और फेस पाउडर यूज़ नहीं करना चाहिए ज़्यादा, कि उससे थोड़ी स्किन ख़राब होने लग जाती है। मैं तो पर्सनली लैक्मे का ही फेस पाउडर यूज़ करती हूँ, बाकी आप चाहें वो पाउडर ले सकती हैं। तो ये सब बातें हो गई आपकी मेकअप किट की। मेकअप किट में मैंने मेन मेन चीज़ें आपको सब बता दी हैं जो आप ले सकती हैं। इसके अलावा आप नेल पेंट, अच्छे अच्छे कलर की नेल पेंट्स ले सकती हैं, नेल पेंट रिमूवर आपको लेना चाहिए, और मॉइस्चराइज़र आपके बैग में ज़रूर होना चाहिए, मतलब बैग में या मेकअप किट अगर आप रेडी कर रही हैं तो मॉइस्चराइज़र होना बहुत ज़रूरी है। और अब तो वैसे भी सर्दियां हैं, तो कुछ अच्छा मतलब लोशन टाइप कुछ ले सकते हैं, वैसलिन बॉडी लोशन इज़ वेरी ग्रेट फॉर बॉडी, बहुत अच्छा है ये, और आप इसका यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आईलाइनर, आईलाइनर आप ले सकती हैं, मतलब जो भी आप चाहें जो आप यूज़ करती हैं, या आईलाइनर तो बहुत सी गर्ल्स पहले भी यूज़ करती हैं शादी से और शादी के बाद भी, और आईलाइनर आप ले सकते हैं कोई भी अच्छा सा जो भी आप चाहें। और काजल, काजल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वैसे मैं मतलब बहुत कम यूज़ करती हूँ काजल का, लेकिन काजल लगाने से मतलब चेहरा आपका पूरा खिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है काजल लगाया हुआ। मैं कभी लगा लेती हूँ कभी नहीं भी लगाती हूँ, बट काजल लगाना मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। और आप काजल ले सकते हैं, ब्लू हेवन का काजल भी अच्छा होता है, लैक्मे का काजल तो बहुत ग्रेट होता है, बहुत अच्छा होता है, और ब्लू हेवन का काजल भी अच्छा होता है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। इसके अलावा आप बिंदी वगैरह ले सकते हैं, और शादी के बाद तो आपको सिंदूर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो सिंदूर वैसे ले भी सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, आपकी जो भी मर्जी है वैसा। तो मेकअप किट में लगभग यही चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं, बाकी हो सकता है एक आधी चीज़ें मैं भूल भी गई हूँ, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। और आप आईब्रो पेंसिल भी ले सकती हैं, मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ आईब्रो पेंसिल, आप चाहें तो आप ले सकती हैं, अगर आप यूज़ करती हैं या करना चाहती हैं तो आप आईब्रो पेंसिल भी ले सकती हैं, बट मैं पर्सनली यूज़ नहीं करती हूँ। और आप एक हेयर ड्रायर लेना मत भूलिए, आपको हेयर ड्रायर ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो वैसे भी सर्दियाँ हैं, तो जिससे आपके बाल जल्दी सूख जाएँ, चाहें तो आप स्ट्रेटनर या कुछ भी यूज़ कर सकती हैं, बट हेयर ड्रायर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आज के लिए इतना ही, और मैं जाना चाहूँगी, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।